बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं YouTube और Facebook के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं, ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूँ और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद और आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली और पुरानी तमाम बेशतर वीडियो से मुसलिक हो सकें और बज़रिए नोटिफिकेशन हर बार मेरी न्यूएस्ट वीडियोस आपके ईमेल में पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 489 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं इस वीज़े के कंटेंट्स आपको बता दूं जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं। फीचर्स, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम, लैंग्वेज, बेनिफिट्स, एक्सटेंडेड वीज़ा, EOI, पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई। सबसे पहले मैं इस वीज़े के फीचर्स, ड्यूरेशन और कॉस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये वीज़ा इजाज़त देता है स्किल्ड वर्कर्स को कि वो रह सकें और काम कर सकें रीजनल या लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेट्रोपॉलिटन के एरिया में ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 4 साल तक। और इसको हासिल करने के लिए 3 रास्ते हैं। फर्स्ट, ESP यानी एक्सटेंडेड स्टे पाथवे। सेकंड, IP इनवाइटेड पाथवे। थर्ड, SEP सब्सिक्वेंट इंट्री पाथवे। ये वीज़ा आपको लीड करेगा परमानेंट स्किल्ड रीजनल वीज़ा सब क्लास 887 पर, और फीस पर हेड 3,670 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है और इसकी टोटल म्याद 4 साल होती है। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। आप लाजमन होल्डर हों सब क्लास 475, 487, 495 या 496 वीज़ा के। अगर आप ESP यानी एक्सटेंडेड स्टे पाथवे पर हैं तो और नॉमिनेट हुए हैं स्टेट या इलाके की गवर्नमेंट या किसी एलिजिबल रिश्तेदार ने स्पॉन्सर किया है। अगर IP यानी इनवाइटेड पाथवे की कैटेगरी से आते हैं तो किसी ने इनवाइट किया हो अप्लाई के लिए और रेवलेंट ऑक्यूपेशन हो, ऑक्यूपेशन के लिए सूटेबल स्किल असेसमेंट हो, टेस्ट पासिंग मार्क्स पर 60 पॉइंट्स हासिल किए हों, 45 एज से कम उम्र हो जब इनविटेशन मिला था और कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज हो। अब मैं आपको प्रोसेसिंग के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट, इनवाइटेड पाथवे। अगर आप IP के लिए अप्लाई करते हैं तो जमा करना होगा EOI स्किल सेलेक्ट के ज़रिए और तमाम डिटेल देनी होगी, नॉमिनेटेड स्किल, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, और भले आपको फैमिली ने स्पॉन्सर किया हो या ऑस्ट्रेलियन स्टेट या इलाके की तरफ से नॉमिनेट हुए हों। स्किल सेलेक्ट आपके पॉइंट्स को एस्टिमेट करेगा। अगर आपको नुमाया स्कोर मिले तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई का इन्विटेशन मिल जाएगा। और अगर आपको स्पॉन्सर किया है किसी रिश्तेदार ने ऑस्ट्रेलियन स्टेट या इलाके की गवर्नमेंट या एजेंसी ने, तो आपके EOI को व्यू किया जाएगा और फिर फैसला डिसाइड किया जाएगा कि आपको नॉमिनेट किया जाए। अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ESP यानी एक्सटेंडेड स्टे पाथवे के बारे में बताता हूँ। अगर आप ESP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके क्राइटेरिया के मुताबिक ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास मुख्तलिफ प्रोविजनल वीज़ों में से एक के लाजमी होल्डर होते हैं और रहते हुए कम अज़ कम 2 साल हो गए हों उस सब क्लास पर, यानी मसलन 475, 487, 495, 496 सब क्लास पर। इन में से सिर्फ एक वीज़ा आपके पास हो और किसी भी एम्प्लॉयर के लिए किसी भी शोबे में काम करते हों। अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो रहने के साथ काम भी कर सकते हैं रीजनल मेट्रोपॉलिटन ग्रोथ लो पॉपुलेशन एरिया में सेम पोजीशन या पर,
यानी करंट वीज़े पर। अब मैं आपको SEP यानी सब्सिक्वेंट एंट्री पाथवे के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं, ये SEP उन लोगों के लिए होता है जो मेंबर होते हैं किसी फैमिली के, जिनके पास पहले से कोई सब क्लास 489 या सब क्लास 475, 487, 495 या 496 वीज़ा अवेलेबल यानी मौजूद होता है। अब मैं आपको फैमिली मेंबर वीज़ा होल्डर के बारे में बताता हूँ। आपके फैमिली मेंबर के पास वीज़ा लाजमन हो और प्राइमरी होल्डर्स हों सब क्लास 489, 475, 487, 495 या 496 के, तो वो आपके साथ इस वीज़े पर रह सकते हैं। अब मैं आपको लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वीज़े के लिए, जबकि अगर आप 18 साल के या 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और फंक्शनल इंग्लिश नहीं है तो आपने एडिशनल फीस जमा करनी होगी, जिसको सेकंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अब मैं आपको इस वीज़े के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। ये वीज़ा आपको और आपकी फैमिली को इजाज़त देता है कि 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में वक्त गुजारें, काम एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के किसी स्पेसिफाइड रीजन में, अपने मुल्क और ऑस्ट्रेलिया आना जाना कायम रख सकते हैं, मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी सिटीजनशिप या कौमियत अगर सब क्लास 887 के होल्डर हैं तो। अब मैं आपको इसकी फ़ीस के बारे में बताता हूँ। अगर आप ESP यानी एक्सटेंडेड स्टे पाथवे और सबसिक्वेंट एंट्री पाथवे के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़ीस पर हेड $325 होगी, जबकि इनवाइटेड पाथवे पर हेड फीस $3,670 होती है। अब मैं आपको इस वीज़े की एक्सटेंडिंग के बारे में बताता हूँ। आप अपने वीज़े को एक्सटेंड या री अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया मुस्तकिल रहना चाहते हैं तो लाजमन आपके पास सब क्लास 887 वीज़ा लाजमी हो या उसके होल्डर हों। अब मैं आपको EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। ये लेटर हमें बताता है कि हमें वीज़ा चाहिए और इन्फॉर्मेशन देता है कि मदद मिले फैसला करने में आपको वीज़ा के लिए इन्विटेशन दिया जाए या नहीं। इस लेटर में स्टेट और इलाके की इंडिकेशन होती है कि आप इंटरेस्ट EOI को मुकम्मल स्किल सेलेक्ट के ज़रिए किया जाता है और इसकी मुद्दत 2 साल की होती है। जो IP के ज़रिया आना चाहते हैं उनके पास EOI हो और उनकी उम्र 45 साल से कम हो। अगर आपकी उम्र 45 साल हो गई है EOI मिलने के बाद तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर 45 साल के हो गए हैं और अभी भी वक्त है और EOI नहीं मिला है तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं आपको पॉइंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। आपको पॉइंट्स लैंग्वेज एबिलिटी, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन, ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मुख्तलिफ दूसरे फैक्टर्स पर मिलते हैं। अब मैं आपको अप्लाई के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट इन्वाइटेड पाथवे IP। जब आपको ITA यानी इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाए वीज़े के लिए तो आपके पास 60 दिन होते हैं। आपको वीज़ा ऑनलाइन भरना है भले आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हों या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हों। आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो और लाजमी TRN यानी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर लाजमी हो, जिसको आपने संभाल कर रखना है। सेकंड है SEP यानी सबसिक्वेंट एंट्री पाथवे एंड ESP एक्सटेंडेड स्टे पाथवे। इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं भले आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हों या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।